नमस्कार, सुप्रभात सभी दोस्तों को हमारा सलाम। आप मुझे जानते ही होंगे, मेरा YouTube चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ और आपको शायद पसंद भी आता हो, और अगर नहीं आता है तो फिर भी यार पसंद कर लो, क्योंकि मैं तो आपका अपना हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बहुत दिन हो गए, कुछ कहानियाँ मन में आ रही थी, कुछ भूल जा रहे थे, अचानक याद आया कि चलो एक आज कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो कहानी है एक ऐसे देश की जो बहुत दूर दराज दुर्गम है और शुरू से दुर्गम रहा है। वो चाइना के सुदूर उत्तर में वो एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, आपने नाम सुना होगा मंगोलिया। मंगोलिया में एक राजा हुआ करते थे, बड़े दुर्दांत राजा थे, जिनका नाम था चंगेज खान। आपने शायद इतिहास में अगर पढ़ा है तो उनका नाम सुना होगा, और कितने अच्छे राजा थे और कैसे महान थे उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो चलिए आपको मैं उनके बारे में एक कहानी बताता हूँ। वो राजा ऐसे थे कि वो अपने दुर्दांत के लिए मशहूर थे, वो बहुत खतरनाक आदमी थे, लेकिन उनके मन में भी एक प्रेम की भावना होती थी, वो इस कहानी में परिलक्षित होगा। हुआ ये कि उन्होंने एक कथन दिया था पूरे विश्व इतिहास को कि आपका जो मित्र होता है, अगर गलती से अगर वो अनजाने में आपसे कुछ के साथ वो बुरा व्यवहार करता है तो फिर भी वो आपका मित्र होता है। इस कहानी में यही पता चलेगा। एक बार चंगेज खान के मन में आया कि चलो शिकार खेलने चलते हैं, और वो अपने सारे राज दरबारी को लेकर शिकार के लिए चल पड़े। जब वो जंगलों में जा रहे थे शिकार करने के लिए, तो सुबह से दोपहर होने के वो आ गया था, लेकिन उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा था, न उनके दरबारियों के न उनके सेना के हाथ। चंगेज खान के मन में आया कि कहीं ऐसा न हो कि इन लोगों पे हताशा फैल जाए हमारे सेना में, और लोगों को लगे कि हमने राजा के लिए शिकार नहीं किया है, तो चलो एक बहाना ढूंढते हैं। चंगेज खान ने अपने सारे दरबारियों को हुक्म दिया, यानी आदेश दिया कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग महल की ओर प्रस्थान कीजिए, आज मैं अकेले ही शिकार करूँगा। तो सारे दरबारी को तो मानना ही था बात, वो लोग चले गए। अब राजा जो है अपने घोड़े पर सवार हैं, और उनके चमड़े का एक मश्क होता है जिसमें कि पुराने जमाने में लोग पानी वानी रखा करते थे पीने के, उसको लेकर घोड़े के साथ वो चल दिए। हाँ, और राजा के साथ एक उनका परम प्रिय मित्र था, उनका बाज, जो उनके बाएं कंधे पे बैठा रहता था। चले ये लोग शिकार करने। शाम हो गया, राजा को लगी प्यास। अब राजा को लगी प्यास तो राजा ने अपने चमड़े के मश्क को खंगाला तो देखा उसमें पानी है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि अपने बास को उड़ाया, बोला जाओ देखो पानी वानी कहीं होगा तो तुम हमें संदेश दो। जानवर था भाई, संदेश परम प्रिय मित्र था तो संदेश तो दे ही सकता था। इस प्रकार वो बास उड़ चला, राजा उसकी आहट में उसके बाज के पीछे पीछे चलने लगे। एक जगह राजा ने देखा कि एक ऊंचा टीला है पहाड़ जैसा, उसके ऊपर से पानी का धारा घिस रहा है। राजा ने क्या किया, अपना जो एक चमड़े का कटोरा होता है, उस समय चमड़े का ही होता था, वो हार्ड एंड कटोरा होता है, वो कटोरे को उसने उस पानी के सोते के पास लगा दिया, और राजा इंतजार करने लगा कि वो भर जाए तो मैं पीऊं। हालांकि करीब करीब 10 से 12 मिनट उस समय के अंतराल पे बीते होंगे, और वो पानी से लबालब भर गया वो कटोरा। राजा ने जैसे ही उस कटोरे को उठाया पीने के लिए, बांस कहीं से उनका अपना बांस कहीं से उड़ता हुआ कटोरे को गिरा दिया। राजा को आया गुस्सा, उसने कहा कि इतनी मेहनत से मैंने इस कटोरे को इसमें सोते में लगाया था और भरा था इतनी मुश्किल से, और मुझे पीने को भी नहीं मिला, कैसा यार ये है बाज। राजा ने क्या किया, फिर से कटोरे को सोते में लगाया और फिर से वो पानी भरना चालू किया। इस बार थोड़ी देर और हुई लेकिन पानी आधा भर चुका था कटोरे में। राजा ने उस कटोरे को जैसे ही फिर से पीने के लिए उठाया, बाज फिर से आया और उसने कटोरे को फिर से पंजे मार दिए और कटोरा फिर से गिर गया। राजा को इस बार गुस्सा आ गया, उसने कहा ये हद हो गया यार, कैसा मेरा मित्र है, इसको हम साथ में रखे हैं और ये मेरा बार बार पानी गिरा देगा। राजा ने मन मार कर थक हार कर किसी तरह फिर से कटोरे को सोते में लगाया, पानी छटाक भरी थोड़ा सा भरा होगा। राजा ने कहा कि चलो इसी को पीकर तू प्यास पूरी तो बुझा लूं। राजा ने जैसे ही उसे उठाया, बास फिर से आया, उसने फिर से झपट्टा मारा, गिरा दिया। राजा का मूड हो गया खराब, राजा ने अपनी तलवार निकाली और बांस के ऊपर टूट पड़े, अब बांस को कर दिया खत्म। इतना हो गया, राजा खुद भी दुखी थे कि बाज भी उनका मित्र भी मर गया और पानी भी नसीब में। सब अपने अपने नसीब की बात है मित्र।
लेकिन नसीब कहाँ काम करता है अब ये आपको आगे पता चलेगा। राजा ने कहा कि जहां से पानी दिस रहा है चलो मैं उसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ पानी वहां पे है कि नहीं। और राजा जैसे ही वो टीले के ऊपर, छोटे से टीले के ऊपर चढ़े, उन्होंने वहां क्या देखा है, वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां देखा कि टीले के ऊपर मंगोलिया देश का सबसे विषधारी सांप मरा पड़ा था उस पानी में, छोटे से पानी, जहां से पानी रिस रहा था। राजा के दिमाग में आया कि ये बास मुझे बताना चाहता था कि पानी मत पियो, ये पानी पियोगे तो तुम मर जाओगे, और मैंने अपने मित्र के साथ ये किया, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर राजा का एकदम मन विचलित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े को तैयार किया, मरे हुए बाज को अपने बाजुओं में रखा और महल की ओर चल दिए। महल जाकर उन्होंने सबसे पहले तो ससम्मान बाज को दफनाया और उसके बाद अपने कारीगरों को आदेश दिया कि मेरे लिए एक सोने की सुंदर इस प्रकार का ही बाज बनाओ, जैसा वो बाज है हूबहू वही बाज बनना चाहिए। और राजा के मुकुट में तब से वो बाज भी रहने लगा, और राजा ने उसको अपने महल में उस बाज को, मूर्ति को, सोने का उसको स्थापित किया, और अपने सभी दरबारियों को बुलाकर एक आम सभा की और कहा, जो मैंने पहले कहा था स्टोरी शुरू होने के पहले, कि अगर आपका कोई मित्र आपसे शत्रुता करता है और आपको यह लगता है कि उसने आपके साथ शत्रुता की है और जाने अनजाने में उससे अगर कोई गलती हुई हो तो हो सकता है कि वो सही हो और आप समझ नहीं पाए, और वो आपका हमेशा मित्र ही रहेगा, वो शत्रु नहीं हो सकता। धन्यवाद। इसी कहानी के साथ आप सभी को सलाम, शुक्रिया, थैंक्स।